नमस्कार, वेलकम टू मनोरंजन म्यूजिक, जहाँ पे आपको मिलता है म्यूजिक का बेहतरीन टिप्स एंड ट्रिक्स। दोस्तों, अभी जो बजा रहा था, दिस इज द कोड वर्सन ऑन रंबा एंड एर्पेजियो वर्सन ऑफ भैरव राग और थाट इन सी स्केल। मतलब अगर आप सी स्केल में आप कुछ बजा रहे हैं, स्पेशली भैरव राग के ऊपर, तो क्या क्या कोड रहता है। कोड रहता है सी मेजर, सी शार्प माइनर, सी शार्प मेजर, ई मेजर, ई माइनर, एफ माइनर। ठीक है, तो क्या क्या कोड रहा। सी मेजर, सी मेजर आपको पता है, ठीक है, सी मेजर, सी मेजर, सी जी, फिर सी शार्प माइनर, मतलब सी शार्प एंड ई जी शार्प, ठीक है, और सी शार्प मेजर, मतलब आपका सी शार्प एफ जी शार्प, ठीक है, ये लास्ट में देखिए, फिर सी सी शार्प हो गया, ई ई मेजर, ठीक है, ई माइनर, ठीक है, तो ई माइनर, ई मेजर, ये भी मैं बता चुका हूं ऑलरेडी, ठीक है, जो नया चीज है मैं आपको बता दिया। तो ये ई माइनर होगा, ई मेजर, फिर एफ, एफ माइनर, ठीक है, तो इतना कोड लगता है, ठीक है। तो सी, सी शार्प मेजर, सी शार्प, सी शार्प माइनर, सी शार्प मेजर, देन आपका ई मेजर, ई माइनर एंड एफ माइनर, इतना कोड लगता है। तो उसको उसी हिसाब से आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कहाँ कहाँ पे मैं क्या फिंगर रखा हूं आप थोड़ा देख सकते हैं, मैं बारीक से बता रहा हूं। ये सी मेजर, फिर सी शार्प माइनर, ये भी फॉर्मेट में रहेगा, मतलब एरो फॉर्मेट में। देखिए, ये जो है जी के ऊपर मैं रखा हूं, जी शार्प, जी शार्प, और ये क्या हो गया आपका, ये हो गया डी डी, ये ई है ना, ये ई हो गया, फिर ये हो गया आपका ये सी सार, ठीक है, तो जी सार, सी सार एंड ये ई हो गया, तो ये हो गया आपका माइनर, सी सार माइनर। तो पहले ऐसे रख के आप सिंपल बजा सकते हैं, उसके बाद फिर सी शार्प मेजर, सी शार्प मेजर कैसे होगा, सी शार्प मेजर ये क्या है, ये ई एफ है, राइट, ये ई, ये एफ है, तो एफ, फिर सी शार्प, फिर ये आपका क्या है, ये आपका हुआ क्या, ये सी शार्प हुआ और ये हुआ एफ, देन ये क्या हुआ जी शार्प, राइट। तो तीनों को जब हम बजाते हैं, ये सी शार्प मेजर, राइट, ये हो गया आपका एफ माइनर, एफ माइनर के लिए क्या चाहिए, एफ सी जी शार्प, राइट, ये जी शार्प है, ये एफ हो गया, ये सी हो गया, राइट। ठीक है, तो और ई, और ई तो आपको पता है ये क्या है आपका, देखिए ये हो गया आपका, जैसे कि ये बी हो गया, राइट, बी हो गया, ये हो गया जैसे कि ये डी शार्प हो गया, राइट, ये आपका डी
डी डी शार्प सॉरी ये ई होगा है, तो ई हो गया, ये बी हो गया ठीक है, और ये हो गया जी, तो ये ई माइनर, जब जी शार्प हम दबा देते हैं तो ये हो गया आपका ई मेजर राइट। बस इतना चीज को याद रखना है। तो इसको कैसे कौन सा सीक्वेंस में आपको प्रैक्टिस करना है, पहले प्रैक्टिस करना है आप ई मेजर ई माइनर, उसी हिसाब से आप प्रैक्टिस कीजिए, इजी होगा। जैसे कि अर्पेजियो फॉर्मेट में ये क्या हुआ ई माइनर, बस दो फिंगर को आप खाली ये जो है रिंग फिंगर एंड मिडिल फिंगर, अब जैसे कि जी साहब आपने ये कर दिया प्रेस कर दिया इंडेक्स फिंगर में, फिर सी सी शार्प माइनर, जैसे कि यहाँ पे हम प्लॉकिंग कर रहे हैं तो जस्ट यहां से एक जस्ट नीचे की ओर एक स्टेज मतलब वन स्ट्रिंग डाउन, नहीं तो यहां पे भी आप फिक्स कर सकते हैं अपना जो पोजीशन फिक्स कर सकते हैं। देखिए ये मैं क्या कर रहा हूं, ई मेजर एंड सी शार्प माइनर, ये दोनों के बीच में सीक्वेंस वाइज में बजाऊंगा अभी, कैसे माइनर, फॉर्मूला क्या है, वन टू वन थ्री, वन टू वन थ्री, वन वन टू वन थ्री टू, वन थ्री टू, वन टू वन थ्री टू, वन थ्री टू, मतलब वन टू वन थ्री टू, वन थ्री टू, ये जो है वन ये टू ये थ्री राइट, तो वन टू वन थ्री टू, वन थ्री टू ठीक है, ई माइनर ई मेजर, सी शार्प माइनर, सी शार्प मेजर, फिर एफ माइनर, सी मेजर, अभी सी मेजर, अभी ये हुआ सी शार्प माइनर, सी शार्प मेजर, सी शार्प माइनर,
ठीक है, और बाकी तो इसका आप मैं बता दिया हूँ। फोर ट्विन नोट मतलब सारे बीच में देयर इज नो गैप। रे गा सारे का मा पा सारे गा सारे गा मा पा दा नी सा मतलब नी सारे, ये क्रोमेटिक में रहेगा। ठीक है, तो ये जो चीज हमने बताया आप शुरू से थोड़ा स्लो वर्सन में प्रैक्टिस कीजिएगा, फिर स्पीड कीजिएगा। और जो मैंने आज फॉर्मूला बताया जो ये मैं बताऊंगा धीरे धीरे, इसको रंबा वर्सन कहते हैं, ये 6 बीट और 8 बीट में कैसे बजाते हैं, इसका ये आरबिक वर्सन है, आरबिक स्टाइल में बजाते हैं। ठीक है, तो आज के लिए मेरा इतना, अगर कोई डाउट रहा तो आप अपने कमेंट बॉक्स में आप जरूर शेयर कर सकते हैं। और मैं मनोरंजन म्यूजिक हमेशा कुछ ना कुछ नया लेके आता है, और बेशक आप अगर प्रैक्टिस करेंगे अपना एक्विस्टिक गिटार में भी आप कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या है कि आपको जो स्ट्राइकर में बजाना पड़ेगा, यहाँ पे क्लासिकल गिटार में फ्री फिंगर इसमें ऐसे बजाया जाता है। ठीक है, तो मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और Stay tuned, be positive, be optimistic, yes you can. आज के लिए इतना, नमस्कार, जय हिंद।